सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी, और जो कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है जिसका नाम है एग पकौड़ा। एग पकौड़ा बहुत ही इजी बनते हैं और कम टाइम में बनता है, और ये मेरी रेसिपी आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि मेरी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग पकौड़े बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, मैंने बेसन लिया है 1 कप, मैंने बॉयल एग ली है 6 तक, साबुत धनिया पाउडर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, रेड चिली मैंने लिए है 1 टेबलस्पून, धनिया मैंने ली है कुछ, पुदीना मैंने लिया है कुछ, धनिया पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, बेकिंग सोडा मैंने ली है पिंच, प्याज मैंने ली है 1 और उसको मैंने चॉप कर लिया है, हरी मिर्च मैंने 3 से 4 तक ली है और उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। सबसे पहले मैंने एग लिए हैं बॉयल और इसको मैं कट करूंगी स्टिक जैसे हम कट करेंगे इसको। पहले बीच में हम इसे कट करेंगे, इसके 2 पीसेस बनाएंगे, देन मैं जो बीच में जो येलो है एग हम उसको निकाल देंगे, उसको साइड पे रखेंगे। अब हम इसको स्टिक की तरह इसको काटेंगे, दूसरा भी हम ऐसे ही करेंगे। इसी तरीके से सारे एग हम इस कट करेंगे, बीच वाली जो है येलो टिक्की हम उसको निकाल देंगे और फिर जो वाइट है एग उसको हम कट करेंगे। कुकिंग विद चाइनीज यूट्यूब चैनल, अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। एग पकौड़े मोस्टली बहुत यूज़ होते हैं अफ्तार में, ईद पे स्पेशली, और ईद आ रही है तो ईद पे ये आप ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत इजी और टेस्टी होती हैं और कम टाइम में बनती हैं। इसके हमें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, बिल्कुल इस तरीके से हमें इसके छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया है, अब मैं सारे एग को एक बाउल में डालूंगी।
अब मैं ये सारे एग को एक बॉयल डाल दूँगी और बॉयल में डाल के अब फिर मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं नमक डालूँगी जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लिएगा। और उसके बाद मैं ब्लैक पेपर डालूँगी 1 टेबलस्पून। अब हम डालेंगे साबुत धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट बनाया था 1 टेबलस्पून वो ऐड कर रही हूँ मैं। अब मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिल्ली, प्याज डालूँगी एक जो मैंने चॉप करके रखा था, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ा सा पुदीना, अब मैं सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, बेसन मैंने 1 कप लिया था। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और मैंने बेकिंग सोडा पिंच लिए। अब फिर से मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसका मैं बटर बनाऊँगी। अगर आप हाथ से मिक्स करना चाहें तो वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि चम्मच से बिल्कुल मिक्स अच्छी तरीके से नहीं होते, तो इसलिए हमें हाथ से मिक्स करना ही बेटर ऑप्शन लगता है। और इसमें हम तो पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ये बेटर उसका अच्छा बन जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बने। देखें ऐसे ही हमें बैटर बनाना है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे पकोड़े और उसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करेंगे पकोड़े।
बीच में आप इसके पकौड़े के साइड चेंज कर सकते हैं। अब मैं पकौड़ों को निकाल रही हूँ प्लेट में, एक पकौड़े को निकाल रही हूँ और फिर मैं दूसरे इसमें ऐड करूँगी। देखो कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने यमी टेस्टी बने हैं। फ्रेंड्स, हमारे एग पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करके देखिएगा कि कैसी बनती है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त, मैं फिर एक रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।